इख्वान, हमें मालूम है कि आज से तकरीबन 85 बरस पहले 1928 में हसनुल बन्ना शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, जब उनकी उम्र सिर्फ 22 बरस की थी, उन्होंने सदा बुलंद की और लोगों से कहा कि अपने मसदर और अपने मर्जा की तरफ लौटो, अपने असल की तरफ लौटो, सरचश्मे हिदायत की तरफ लौटो, कुरान और सुन्नत की तरफ लौटने की दावत को उन्होंने दी और लोगों को बुलाया कि लोगों आओ, तुम्हारी अहिया, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी बका और तुम्हारी तरक्की का राज इसमें है कि कुरान की तरफ पलटो और इस्लाम की तरफ पलटो और सुन्नत की तरफ पलटो। लोगों को उन्होंने बुलाना शुरू किया। किसी ने पूछा कि आप अपने इख्वान का तारुफ कराइए, तो हसनुल बन्ना शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि यह एक तसव्वुफ की तंजीम है जहां लोगों के खुलूब का तस्किया किया जाता है, यह एक सियासी तंजीम है जहां हम रिफॉर्म लाना चाहते हैं और सियासत और मईशत को बेहतर बनाना चाहते हैं, यह एक तिजारती कंपनी है जहां मुसलमान अपने कारकुनों से कहना चाहते हैं कि अच्छा हलाल रिस्क कमाओ और ज्यादा से ज्यादा कमाओ ताकि इंसानियत की खिदमत कर सकें, यह एक अंजुमन है, सोशल वेलफेयर अंजुमन है, यहां लोग आए और अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाएं, कोई तकरीर सीखे, कोई तहरीर सीखे। इसलिए हम देखते हैं कि बेशुमार मुसन्निफीन को इख्वानुल मुस्लिमून ने पैदा किया और उसके बाद फरमाया कि एक वर्जिश की टीम भी है, हमें चाहते हैं कि हर खबी मुसलमान कमजोर मुसलमान से बेहतर है तो वर्जिश भी करे। इख्वान का तारुफ कराने के बाद हसनुल बन्ना शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इस्लाम जितना जामे है उतनी हमारी तहरीक जामे है, इस्लाम की जामियत ने हमारी तहरीक को जामियत अता कर दी है। तो इस तरह से इख्वानुल मुस्लिमून मल्टीपल फ्रंट्स पर और मुख्तलिफ जहद पर काम करने लगी और देखते देखते उसने स्कूल्स का जाल बिछाया और हॉस्पिटल्स का जाल बिछाया, बैंकों का जाल बिछा दिया और आम लोगों की खिदमत का काम बेड़ा उन्होंने सर पर उठाया और इस तरह से वो मकबूल हो चुके कि आज 50 से ज्यादा फीसद अवाम उस मुल्क के इख्वानुल मुस्लिमून को चाहते हैं।